आज हम ग्राम कटैया काशीपुर उत्तराखंड में इस समय मौके पे खड़े हैं। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और बहुत प्रगतिशील किसान हैं मिस्टर मिंटू, पूरा नाम भाई साहब आपका मिंटू सिंह, ग्राम कटैया। आप लोकेशन दिखा दो सर, कोई भी आके इस चीज़ को तस्दीक कर सकता है। आपने हाँ बस आ जाओ, कोई नहीं। ये आज हम सुपर सीडर की, जैसे कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि जर्मिनेशन नहीं निकल के आता, ये आज एक महीने की फसल है जो कि आप देख सकते हैं सुपर सीडर से बिल्कुल लाइनों में है। सर ये दिखाओ जरा, यहाँ से लाइनों में ना, ये पूरी सिंगल सिंगल सीड की इसमें जर्मिनेशन है। अभी 30 दिन में जगह का गैपिंग खत्म हो गया है। 30 दिन में आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो बीज की गैपिंग है ये भी कवर हो पा रही है पूरी, ये भी पूरी प्रॉपर तरीके से कवर हो रही है। बड़ी बात यह है कि जो ये एक इसका पौधा है, इसमें देखो 1, 2, 3 और ये 4 कल्ले इसके निकल चुके हैं। यहीं हम आपको, ये मैशियो की मशीन की बुआई है, और यहीं हम आपको दूसरी अन्य कंपनियों की भी बुआई दिखाएंगे। मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, मगर वो मैशियो के अतिरिक्त जितनी पंजाब की कंपनियाँ हैं शायद इसी रेस में आती हैं। हम मिंटू भाई साहब से ये बात कहेंगे कि इसको तस्दीक करो सर, ये बात सही है जो हम कर रहे हैं आपसे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर ये बात। और भी अन्य मशीनें चली हैं हमारे यहाँ पे, मगर इसके जैसी जनरेशन किसी की मशीन की आई नहीं है अभी ऐसी। क्या कारण है सर, क्या चीज़ आप समझते हो कि हमने अभी और दूसरा प्लॉट भी देखेंगे जी, क्या बेसिक कारण है जिसकी वजह से ये फ़र्क आप महसूस कर रहे हो? सर एक तो उसका जो पीछे का है ना लेबलिंग वाला सिस्टम, हाँ वो बहुत बढ़िया अच्छा बनाया गया है। ठीक है। और जो उसका अप डाउन करने का मशीन का पीछे का सिस्टम जो है, ठीक है, वो मशीन की गहराई अगर 2 इंच आपको रखनी है तो 2 इंच ही रहेगी, अगर 2.5 रखनी है तो 2.5 रहेगी। वो वैसे तो एक लेवल पे ही बीज पड़ना है उसका, ठीक है। सबसे मेन महत्वपूर्ण उसकी अच्छी बात यह है। ठीक है। अच्छा सर, पूरे सीजन हम आपके साथ आज खुले स्तर पर बात कर रहे हैं, मैंने आपको एक बार भी दुकान पे ये कहते हुए नहीं देखा कि भाई साहब मेरी इस चीज़ में ये टूट फूट आई है। पूरी सीजन आपने हमें एक बार भी कॉल नहीं करा कि भाई साहब मेरे को इस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ की आवश्यकता। मशीन आप खुद बताइए कैसी चली पूरे सीजन में? कोई मशीन हमारी बहुत अच्छी चली, और एक सीजन में हमने शायद हमारे पास में किसी ने हमारे बराबर बुवाई कर पाया, हमने काफ़ी बुवाई की है एक सीजन में, हमने पूरी उसकी खुरपी समाप्त कर दी। ठीक है ठीक है। ये पूरा एरिया जो आप यहाँ से लेके फैक्ट्री तक पीछे देख रहे हैं, वो सारी बुआई जो है वो मैशियो की मशीन द्वारा हुई है। एक महीने की अभी ये फसल है, और आप देख सकते हैं बीज की गैपिंग के नाम पे ज़ीरो है। जो बीच में गैप आम तौर पे, अभी हम आपको दूसरा खेत भी दिखाएंगे, उसमें ये गैप अभी भी आपको नज़र आएगा बीच वाला, मगर यहाँ पे इसके कल्ले इतने फूट रहे हैं कि बीज की गैपिंग ज़ीरो हो चुकी है। ये देखिए सर, एक एक पौधा अपनी अपनी जगह पर है, कहीं गैपिंग नहीं है, कहीं भी जर्मिनेशन के लिए गैप नहीं आ रहा है बीच में। और आप ये सारी बुआई जो है ये मैशियो की सीडल के साथ हमने करी है, आप देख सकते हैं सुपर सीडर मैशियो का है ये, इसकी सारी बुआई है। ये है सर एक पंजाब की कंपनी है, बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, लोग बहुत, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हाँ जी शायद सबसे पहले इन्होंने ही सुपर सीडर का इजाद किया था। मगर सच्चाई ये है कि आप मौके पे ये चीज़ देख सकते हैं कि बीच में गैपिंग और बीच की अभी भी जो जगह है वो आपको नज़र आ रही है। यहीं आपको मैं दूसरी स्लाइड का अभी दृश्य दिखाऊंगा, तो आप शायद और बेहतर जांच पाएंगे कि क्या चीज़ कैसे है। ये सुपर सीडर पंजाब की एक कंपनी है, बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, उसकी बुआई की हुई ये खेत है, और हमने अभी अपना खेत दिखाया था आपको। क्या दिखा रहे थे मिंटू भाई? सिंगल सिंगल है, किसी में एक है किसी है। ये देखिए जी, ये जहाँ उसमें 4-4 कल्ले बाहर निकल रहे थे, यहाँ सिंगल सिंगल या डबल वाला काम है। ये इस खेत का है जी, और हमारे जो कल्ले थे वो हमने आपको मौके पे दिखाए हैं। ये वाला खेत किसका है? गांव का ही है हमारे। नहीं ये भी ये सादी मशीन का है ना, इसका भाई का। ये इसी का है ना? हाँ, ये वो पेड़ आ गया था रोड तक। देखिए जी, ये वाला प्लॉट भी उसी का उसका है, और ये वाला प्लॉट भी इसी मशीन की बुआई है, और हमारी वाली जो मशीन की बुआई है वो आपने बेहतर देखी है।
ये जो बीच की स्पेस की हम बात खास कर रहे हैं कि जो बीच में जो स्पेस है ये पत्तियों ने, और इसकी जर्मिनेशन ही है जी, सीधी सी बात तो यही है कि जर्मिनेशन अगर बेटर होता तो ये जगह ख़त्म हो जाती। एक ही समय की ये बुआई हुई है, एक ही समय की वो बुआई है, ये भी एक महीने की फसल है, वो भी एक महीने की फसल है, तो आप अपने सामने इस चीज़ को देख सकते हैं। तो मिट्टू सर, बढ़िया रहा आपका एक्सपीरियंस मैशियो के साथ, क्या किसानों के लिए संदेश है आपका, क्या संदेश है किसानों के लिए? संदेश यही है, सब लोग जांच परख के जो भी यंत्र खरीदें, अच्छी तरह से जांच परख के जी वो यंत्र खरीदें। मेरे हिसाब से तो मैस्कियो का बहुत बेहतर रहा जी, मैंने चलाया, मेरे पास लोगों, जहां भी मैंने बुवाई की सब लोगों ने उसकी तारीफ ही की। कितने घंटे लग गए चलाए आपने? मैंने सर चला दिया 310 घंटे से प्लस चला दिया। चलो बहुत, 200 एकड़ से ऊपर बुवाई कर दी मैंने, 200 एकड़ जी। देखिए जी, अच्छी कंपनी की ही पहचान होती है कि व्यक्ति बेचते समय भी आपको जानकारी दे, मौके पे चलते को भी एक बार देख के जाए, और होने के बावजूद उसके बाद भी, सीज़न के बाद भी आपसे रिव्यू ले रहे हैं कि नहीं वाकई मशीन कैसी चली है कैसी नहीं है। थैंक यू बॉस, बहुत बहुत है।